ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर एंड इट्स आयनिक प्रोडक्ट, ठीक है। आयनिक प्रोडक्ट और आयनाइजेशन कांस्टेंट, अभी तक तो हम लोग आयनाइजेशन कांस्टेंट ही सब कब पढ़ रहे हैं, इस बार वाटर कब पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो नॉर्मली क्या बोलते थे कि वाटर जो है अनआयनाइज्ड होता है ना, लेकिन रियलिटी में क्या होता है, वाटर में बहुत ही कम वेरी माइन्यूट क्वांटिटी में यह आयनाइज होता है, समझ गए। मतलब वाटर जब हमने ग्लास में लिए तो H2O मॉलिक्यूल ही खाली रहेगा, इसमें H+ आयन OH- आयन बहुत ही कम क्वांटिटी में रहेगा, बहुत ही कम क्वांटिटी में H+ आयन भी रहेगा और OH- आयन भी रहेगा, ये निश्चित है, समझ गए ना। मतलब 100% वो अनआयनाइज्ड नहीं रहता है, हाँ समझ गए, हल्का सा आयंस रहेगा, कौन सा रहेगा, H+ भी रहेगा और OH- भी रहेगा, ठीक है। इसीलिए पानी जो है इलेक्ट्रोलाइट है, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास, अगर हम प्योर वाटर रहता है तो बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, ना के बराबर, ठीक है। लेकिन हल्का भी कुछ डाल देते हैं तो फिर वो गुड कंडक्टर हो जाता है ना, वेरी गुड इलेक्ट्रोलाइट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग आयनाइजेशन कांस्टेंट निकालेंगे पहले वाटर का, ये वाटर हुआ, ठीक है, ये आयनाइज हो जाएगा H+ और OH- आयन, ठीक है। हाँ, ये जो वाटर है ये तो लिक्विड रहेगा और ये क्या हो जाएगा, एक्वास हो जाएगा, ये भी एक्वास हो जाएगा, जो पानी है उससे कंबाइन करके रहेगा, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग चूंकि H+ आयन देता है तो Ka निकाल सकते हैं, OH- आयन देता है तो Kb भी निकाल सकते हैं, दोनों में कुछ भी निकालेंगे हमारा कैलकुलेशन सेम ही आएगा, ठीक है। तो Ka अगर हम निकालते हैं तो क्या आएगा, H+ OH- H2O, ठीक है ना, यही ना होगा। एसिड कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं निकाल रहे, एसिड कांस्टेंट निकाल रहे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक और वाटर मॉलिक्यूल दिखाएंगे जो कि यहाँ कंबाइन है, H2O प्लस H2O, ये वाला H2O यहाँ इंक्लूड है, समझ गया, जैसे हम लोग H2O सबके साथ डालते थे तो H2O के साथ H2O ही है, H2O आपस में कंबाइन करके आयनाइज हुआ है ना। तो सिर्फ K अगर लिखते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर लिखते हैं H2O², ठीक है ना, लेकिन Ka लिखे तो एक H2O यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में इंक्लूड हो गया, तब ना ये एसिड कांस्टेंट हो गया, एसिड कांस्टेंट ये हो गया। अगर हम इसका बेस कांस्टेंट लिखें तो K भी वो भी सेम ही लिखा है ना, OH- आया ना, तो बेस भी है ना ये, तो ये हुआ हमारा आयनाइजेशन कांस्टेंट Ka, आयनाइजेशन कांस्टेंट Kb, ये हो गया हमारा आयनाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आयनिक प्रोडक्ट क्या होगा, अगर हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, K इक्वल टू H+ OH- और नीचे लिखेंगे H2O × H2O, यही लिखेंगे, एक H2O किधर ले आएंगे तब ना K या Kb बनेगा, फिर K × H2O = H+ OH-, एक H2O किधर ले आए, क्योंकि इसका आप जानते ही हैं कि इसका जो वाटर अनआयनाइज्ड फॉर्म में बहुत ज़्यादा रहता है, अगर हम एक लीटर लिए हैं तो 55.55 मोल वाटर है और जब नापोगे तो 55.54 मोल हमको नजर आएंगे, करेगा तो कहाँ कट गया, 0.01 का क्या होगा, है ना, वो 55.55 मोल है ना, है वसन, जैसे कि हम लिए एक लीटर वाटर लिए, एक लीटर H2O लेंगे, ठीक है ना,
तो ये कितना होगा पर लीटर, इसमें कितना आता है? चलो आज को आगे अभी बताएंगे फ्रेंड, ठीक है। 55.55 एक मोल वाटर कितना होता है? वन मोल H2O कितना होता है? 18 ग्राम क्या पड़ रहा है? वन मोल H2O हो गया ना 18 ग्राम, हाँ। तो अगर हम एक लीटर लेंगे, एक लीटर H2O इक्वल टू 1 kg H2O होता है, तो एक लीटर H2O इक्वल टू 1000 ग्राम H2O होगा। तो एक लीटर H2O इक्वल टू कितना मोल? एक मोल वाटर 18 ग्राम होता है, मालूम है ना? H2O 18 ग्राम होता है कि नहीं? 2 ग्राम ये, 16 ग्राम ये, 18 ग्राम होगा वन मोल H2O, हाँ? 1000 H2O कितना मोल होगा? 18 ग्राम में एक मोल, तो 1000 ग्राम में कितना मोल? 1000 बटा 18 मोल H2O, समझा? इसको भाग देगा जाएगा 50.55 मोल H2O, यानी एक लीटर पानी में कितना वाटर रहता है? 55.55 55.55 नहीं होता है, 55.55 55, ठीक है ना? 55 नहीं पड़ता है पॉइंट के बाद। एक लीटर पानी में इतना मोल वाटर रहता है, जब चेक करोगे ना तो 55.55 भी हमें समझ रहे हैं। 55.545 ऐसे कुछ ऐसा आएगा कि मतलब वो 5.55 लगभग ही रहेगा हमेशा, ये तो चेंज होगा नहीं, इसका भले थोड़ा बहुत चेंज होगा, ये 5 हो सकता है, 4.5 हो जाए, 4.9 हो जाए, कुछ हो जाए, समझ गया? क्लियर हुआ? इसका मतलब है कि बहुत कम आयनाइजेशन होता है, इसीलिए हम इसको इधर उठा के ले आते हैं, कांस्टेंट ही है ना, कांस्टेंट ही रहेगा हमेशा, इसलिए उठा कर उधर ले आए। तो अब ये दोनों मिला करके के लिख सकते हैं, ये दोनों मिला करके के भी लिख सकते हैं, समझ में आया? क्योंकि H प्लस आयन और OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वाटर, प्योर वाटर में बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल अमाउंट में, अगर नहीं सोचे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना? अब क्या होगा, अब देखो आगे, अब इस ये भी तो कांस्टेंट ही है, एक वाटर को तो उधर ले आए तो के ए बन गया, के से के ए। अब देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, के टू एच टू ओ हो गया के ए, के इंटू एच टू ओ तो हो गया के बी, लिखते हैं ना? अब इसको उठा के फिर उधर लेंगे, अब हो जाएगा ये के ए इंटू एच टू ओ, ये भी तो कांस्टेंट ही है, अभी भी कौन सा इसका कल यूज हो गया, ये भी कांस्टेंट है। आप बन गया हमको क्या H प्लस तो H माइनस, इधर भी वही होगा के बी इंटू एच टू ओ इक्वल टू एच प्लस तो H माइनस वन, हाँ। अब इसके लिए एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करें, उसको लिखेंगे हम लोग के डब्ल्यू, ये भी कांस्टेंट है ना, ये भी कांस्टेंट है ना, दोनों मिल के नया आ गया के डब्ल्यू, यही आयनिक प्रोडक्ट का हुआ था। समझ गया ना, दो स्टेप आगे है ना, के से के डब्ल्यू ने बना है, के से के ए आया, के ए से फिर के डब्ल्यू, ठीक है?
ठीक है, आ गया समझ में। ये जो के डब्ल्यू आया, ये जो नया कांस्टेंट आया, इसको हम लोग बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब जो है के ए इंटू एच टू ओ, ये हो गया के डब्ल्यू। के बी इंटू एच टू ओ, ये हो गया के डब्ल्यू। भाई बस यही पढ़े अभी, यही पढ़े आगे, समझ में आया। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर किसको बोलते हैं, के डब्ल्यू, ठीक है। अब जो है थोड़ा आगे पढ़ते हैं, हम लोग लेते हैं 1 लीटर एच टू, ठीक है ना। 1 लीटर, 1 लीटर एच टू का मतलब क्या हो गया, 55.55 मोल एच टू। अभी तुरंत पढ़े तो अब 1 लीटर वाटर या 55.5 मोल ऑफ वाटर है ना, इसमें कितना होता है हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन आयन होता है, कितना होता है हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। आई बात समझ में, कितना होता है मालूम है, ये हुआ इन प्योर, प्योर का बात कर रहे हैं आप, कोई पानी नहीं, इन प्योर वाटर, इन प्योर वाटर हम बात कर रहे हैं। अगर एकदम 100% प्योर वाटर लिए हैं तो 55.55 मोल वाटर होता है, ठीक है, वो देख रहे कैलकुलेशन, ठीक ना। और इस 1 लीटर वाटर में, ये 1 लीटर जो प्योर वाटर है उसमें हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर, समझ गया। OH- माइनस आयन का भी कॉन्सेंट्रेशन प्योर वाटर में इतना ही होता है, इसीलिए न्यूट्रल होता है, दोनों बराबर है ना, एच प्लस और एच माइनस दोनों है, इसलिए ना तो हमको एसिडिक नजर आता है ना बेसिक नजर आता है, क्योंकि दोनों बराबर क्वांटिटी में है, समझ गया, क्लियर। तो इसीलिए हम लोग अब प्योर वाटर का के डब्ल्यू निकालते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये क्या है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसका फॉर्मूला क्या अभी निकाल लेते हैं, एच प्लस इंटू एच माइनस, अगर प्योर है वाटर तो एच प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर इंटू 1 × 10⁻⁷ मोल पर लीटर, दोनों गुना हो जाएगा 1 × 10⁻⁴ है ना, मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर, मोल इंटू मोल, लीटर इंटू लीटर। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कितना होता है, ठीक है ना, ठीक है। अब इसको इस तरीके से बुक में भी लिखा हुआ मिलेगा, मोल पर लीटर, ठीक है ना, मिलेगा ना, मिलता है। ये कैसा लिखा हुआ मिलेगा, 1 × 10⁻⁴ मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर, नीचे में है डेनोमिनेटर में, तो ऊपर जाए माइनस नहीं होगा, यहाँ डेनोमिनेटर में ऊपर गया माइनस नहीं हुआ, मैथ का स्टूडेंट ना। ये हुआ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है, ये समझ में आ गया ना, ठीक है। अब जरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते हैं अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसका निकाल रहे हैं, वाटर, सब बेकार ही हो जाए।
पता चला कि हम नहीं दिया सबके लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखा लिख दिया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या है आयोनाइज कॉन्सेंट्रेशन बाय टोटल कॉन्सेंट्रेशन है ना आयोनाइज कॉन्सेंट्रेशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एच प्लस या एच माइनस किसी एक को लेंगे ठीक वही बनता है कोई एक ही आयन लेके ना सारा आयन को लेके थोड़ी करते एक ही आयन को हाँ तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहाँ तो दोनों आयन बराबर है एच प्लस और एच माइनस आयन तो टोटल हम एक लीटर लिए थे तो टोटल कॉन्सेंट्रेशन हो गया 55.5 मोल हो गया ना हाँ और आयनाइज हुआ कितना 1 × 10⁻⁷ मोल इतना ही लिए वाटर yes, इतना मोल वाटर लिया है कि इतना मोल कि इतना लिया दोनों लिए इतना मोल लिए वाटर yes. उसमें से इतना जो है एच प्लस आयन मिला या वो एच माइनस आयन मिला इतना ही ना आयनाइज हुआ अब इसको जो मोल मोल तो कैंसिल हो गया तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कोई यूनिट होता नहीं है क्योंकि दोनों सेम चीज है ठीक है इसको जब कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 1.8 × 10⁻⁹ ठीक है ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत कम है 10⁻⁹ है ना बहुत कम तो पता चल गया ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से कि प्योर वाटर का आयनाइजेशन जो है बहुत ही कम होता है समझ में आया हाँ ठीक है अच्छा हाँ एक चीज अब याद रखोगे यहाँ जो हम लोग पढ़े आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर वो कभी चेंज नहीं होता है जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिए तो आयनाइजेशन ज़्यादा हो जाएगा तो आयनाइजेशन ज़्यादा हो जाएगा तो एच प्लस आयन भी बढ़ जाएगा वो है चाइनस तो फिर तो सेम रह जाएगा ना ये रेशियो सेम जाए तो ये जो बढ़ जाएगा ये भी बढ़ जाएगा फिर से वही आ जाएगा ठीक है ना तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के डब्ल्यू का वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है के डब्ल्यू क्या होता है एच प्लस और एच माइनस आयन दोनों है तो अगर एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ जाएगा ना दोनों में चेंज आएगा कॉन्सेंट्रेशन इसलिए ओवरऑल कभी चेंज नहीं होगा मतलब जैसे ही टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो आयनाइजेशन बढ़ जाएगा ठीक है ना तो आयनाइजेशन बढ़ेगा तो क्या आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बदल जाएगा नहीं बदलेगा क्योंकि एच प्लस और एच माइनस आयन दोनों का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगा ओवरऑल जो है के डब्ल्यू कभी चेंज नहीं होगा चाहे किसी भी टेम्परेचर पे हो यहाँ तक छोड़ दो उसमें एसिड और बेस भी अगर डाल देंगे तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर नहीं बदलेगा इस बात को याद रखना ठीक है ना क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा डिसोसिएशन भी इंक्रीज होगा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एसोसिएशन भी डिक्रीज होगा ठीक है ना तो लेकिन जो हमेशा है हमने ये अगर के डब्ल्यू बढ़ जाएगा क्या चीज नहीं बढ़ेगा हाँ के डब्ल्यू तो बढ़ेगा आयनाइजेशन बढ़ेगा तो एच प्लस बढ़ जाएगा ना वो तो गलत हम बता दिए मैथ सामने है फिर भी गलत हो गया हाँ के डब्ल्यू इक्वल टू एच प्लस ओ एच माइनस यही ना के डब्ल्यू तो हम जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो आयनाइजेशन बढ़ेगा आयनाइजेशन भी इंक्रीज होगा ठीक है आयनाइजेशन इंक्रीज होगा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी बढ़ जाएगा क्योंकि ये वैल्यू बढ़ जाएगा ये तो उतना ही रहेगा एक ही लीटर ये तो एक ही लीटर रहेगा ना तो ये भी बढ़ेगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी इंक्रीज करेगा ठीक है ना टेम्परेचर बढ़ेगा तो आयनाइज कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा ये तो टोटल तो एक लीटर है तो एक ही लीटर रहेगा वो तो घटे पड़ेगा नहीं ना टोटल एक लीटर है तो इतना ही रहेगा
लेकिन ये इंक्रीज कर, यानी H प्लस आयन भी बढ़ जाएगा, OH माइनस आयन भी बढ़ जाएगा, दोनों बढ़ेगा तो KW बढ़ जाएगा। दिमाग फेल करेगा, समझ गया? हाँ, तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बढ़ जाएगा, ठीक है? इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन KW इंक्रीजेस, ठीक है? क्यों? क्योंकि H प्लस आयन भी इंक्रीज करेगा, OH माइनस आयन भी इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर एक ही यही एक केस है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तभी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बढ़ेगा, लेकिन H प्लस और OH माइनस आयन हमेशा बराबर रहेगा, ठीक है ना? टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ये भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ जाएगा, दोनों बढ़ जाएगा इक्वल क्वांटिटी। प्योर वाटर का बात कर रहे हैं, दूसरी जगह बात नहीं कर रहे हैं। प्योर वाटर के केस में बता रहे हैं कि H प्लस आयन बढ़ेगा तो OH माइनस आयन भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ जाएगा तो KW तो बढ़ जाएगा, लेकिन H प्लस और OH माइनस आयन का रेशियो चेंज नहीं होगा, दोनों 1:1 ही रहेगा क्योंकि दोनों बराबर रहेगा। प्योर वाटर है, हाँ प्योर वाटर के लिए बात कर रहे हैं। इम्प्योर वाटर में तुम एसिड मिला दोगे तो H प्लस बढ़ जाएगा, बेस मिला दोगे तो OH माइनस बढ़ जाएगा, वो तो प्योर के लिए बात कर रहे हैं। इम्प्योर में तो फिर क्या मिला है उसको स्टडी करना पड़ेगा, तब पता चलेगा ना, ठीक है ना? लेकिन अगर हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में कोई चेंज नहीं आएगा अगर हम टेम्परेचर को चेंज नहीं करते हैं, ये जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जो हम लोग अभी डिस्कस किए थे, ये डिस्कस किए, ये 298 केल्विन टेम्परेचर पर डिस्कस किए, ये जितना डिस्कशन हम अभी किए थे सब किस पर किए थे? 298 केल्विन पर। 298 केल्विन का मतलब क्या हुआ? 25 डिग्री सेल्सियस पर बात, ये जो आयनिक प्रोडक्ट हम बात किए इतना पर बात किए, तो अब इससे ज्यादा टेम्परेचर होगा तो आयनिक प्रोडक्ट में तो चेंज आएगा ही, लेकिन अगर हम नॉर्मल रिएक्शन करवा रहे हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर 298 केल्विन पर ही अगर हम मिक्स कर रहे हैं, उसमें एसिड भी कर दिए बेस भी मिक्स कर दिए, तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर नहीं बदलेगा। बस इतना ध्यान रखना, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर बदलता कब है? जब टेम्परेचर में चेंज लाएंगे, उसमें एसिड ऐड कर देंगे, बेस ऐड कर देंगे, कोई न्यूट्रल सब्सटेंस ऐड कर देंगे, तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में कोई चेंज नहीं होगा। ओनली जो है टेम्परेचर जब चेंज करेंगे तभी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर चेंज होगा, समझ गया? इस फैक्ट को याद रखना है क्योंकि इसी फैक्ट के ऊपर कल हम पढ़ाएंगे, ठीक है?